आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम UPPCL ऑफिस असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करेंगे और ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए कट ऑफ बहुत जल्दी हम आप लोगों को बताएंगे। और जो है दोस्तों, जो है UPPCL में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की जो बात थी, और भी तो नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि दोनों सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन होगा। कई डेट में परीक्षा हुई थी, आप सभी लोगों को पता है, किसी डेट में हार्ड परीक्षा हुई थी, किसी में जो है इजी पेपर था। तो पेपर के लेवल और बाकी कंप्यूटर सेक्शंस का जो था क्वेश्चन जो था, तो उसमें भी कई लोगों के ऐसे हैं कि जो 135 से 136 नंबर तक बन रहे हैं, लोगों के 130 नंबर तक बन रहे हैं, इसके बाद भी वो कंप्यूटर में पास नहीं हो पाए हैं। तो कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर में भी होगा और सेकंड पेपर में तो होना ही होना है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में भी कहा गया है और सारी क्लियरिटी के साथ उसमें कहा गया है, और आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताई जा रही है। इसके बाद जो है रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा आप लोगों को पता था कि UPPCL की जो भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन से लेके जो भी एडमिट कार्ड से एग्ज़ाम डेट से लेकर के आंसर की से लेकर सारी इंफॉर्मेशन एकदम आपको सही बताई गई, एग्जैक्ट डेट तक बता दी गई थी। पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेट में आंसर की लाइव होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो साथियों, एक जिसको भी एक क्वेरी करनी हो, कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करना हो, जिसको कुछ समस्या है, जैसे यूट्यूब पे तो हर किसी के क्वेश्चंस का जवाब दे पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि फेसबुक पे हमारे एक पेज है प्राइवेट जी यूट्यूब चैनल के नाम से। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। आपको वहाँ पे बस इतना करना है कि आपको लाइक करना है, लाइक करने के बाद अपनी क्वेरी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एडमिन्स जो हैं हमारे काफ़ी लोग हैं, आपके मैं आपकी जो क्वेरी होगी उस क्वेरी का जो है ज़रूर जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। तो साथियों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फेसबुक यूट्यूब चैनल को, तो प्राइवेट जी यूट्यूब चैनल सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो साथियों, कट ऑफ के बारे में आइए जानते हैं। जो कट ऑफ जो बनाई गई है, काफ़ी लड़कों से पूछने के बाद और भी कमेंट्स लोगों के जानने के बाद, कमेंट तो बहुत कम ही लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लिखने में तो कुछ भी हो लिख दो सोशल मीडिया पे, लेकिन काफ़ी अच्छे तैयारी करने वाले लड़कों से बातचीत करके ही और बाकी काफ़ी सोच विचार करके ही कट ऑफ बनाया गया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रणाली है, एक कट ऑफ बनाने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, और पूरी कोशिश की गई है कि कट ऑफ आप लोगों को जो बताई गया है लगभग लगभग सही ही हो। तो एक्सपेक्टेड ही होती है कट ऑफ, तो जो अपना व्यू है, अपना एक व्यू दे रहे हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद कभी कट ऑफ हाई चली जाए या कम चली जाए तो उसका कोई ब्लेम तो नहीं होना चाहिए। तो आइए कट ऑफ जानते हैं। UPPCL की जो ऑफिस असिस्टेंट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने लगाई है, तो 114 प्लस माइनस 4 सामान्य कैटेगरी की हो सकती है। प्लस माइनस 4 इसलिए कर दिया गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, किस जिनका पेपर क्या है, कैसे किसका है, और OBC की जो है 109 प्लस माइनस 4, SC की 100 प्लस माइनस 4, ST की जो है 90 प्लस माइनस 4। तो ये सेक्शनल जो कट ऑफ बनाई गई है नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, प्लस माइनस 4 इसलिए किया गया है, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो साथियों, जो आपको कट ऑफ बनाया गया है, आप अन्य जब रिज़ल्ट आएगा अन्य यूट्यूब चैनल या अन्य जगह पे आप देखेंगे तो इसमें जो कट ऑफ बनाएगी जहाँ तक इसमें डिफरेंट नहीं होगा, डिफर नहीं करेगा आप लोगों का ये जो कट ऑफ है। तो जो जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, तो अपनी पेपर अच्छे हुए हैं, वो अपने टाइपिंग में जुट जाएं, क्योंकि टाइपिंग भी बहुत कठिन है। एक पे तीन लोगों को बुलाया भी जा रहा है, सीट भी वैकेंट जाएगी, निश्चित तौर से जाएगी, और 35 की इंग्लिश की स्पीड मांगा गया है, हिंदी में जो 30 की, तो बहुत ज़्यादा टफ है एक तरह से। तो आप लोग तैयारी अपनी कर लीजिए। आप लोगों की टाइपिंग, ये मान के चलिए कि आप लोगों की टाइपिंग दिसंबर माह में होनी ही होनी है। तो साथियों, अपने वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो बनता है।